का झटका लगा जब पता चला कि बिग बॉस के मेकर्स ने साजिद खान को अपने घर पर आमंत्रित किया? ये उम्मीद नहीं थी बिग बॉस से, बिल्कुल नहीं थी, खासतौर पर सलमान खान सर से ये उम्मीद नहीं थी उनकी। आपके बारे में बात करूं तो आपके साथ भी कुछ हुआ था, लेकिन क्या कुछ बताना चाहोगे थोड़ा उसके बारे में, कब हुआ था और फिर इंसिडेंट क्या था, तो शॉर्ट में आपको सम अप करना होगा। जी एक्चुअली 2005 में मेरे पापा ऑफ हो गए थे, अप्रैल का महीना था, उन्हीं दिनों में साजिद खान ने मुझको बुलाया अपने घर पर एक स्टोरी नरेशन के बहाने। तब मुझे नहीं मालूम था कि साजिद खान असल में कितना गलीज है, कितना घटिया है, ये सब नहीं मालूम था। तो ये सोचकर मैं गई कि बंदा जो है वो फराह खान का भाई है, फिल्म मेकर है, बड़ी फिल्में बनाता, चलो इसके साथ काम करते हैं, जुड़ते हैं, बॉलीवुड में कुछ बड़ा करते हैं, बड़ी हीरोइन बनते हैं, ये सपने देखकर मैं गई वहाँ पर। और स्टोरी नरेशन के दौरान बंदा जो है वो अचानक अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता, बोलता कि डू यू वॉन्ट टू टच इट, फील इट, अच्छा 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं परेशान, मैंने बोला अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पापा को खोया, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है, कोई मजाक है क्या, कोई प्रैंक कर रहे हैं आप मेरे साथ? तो नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ टच इट ना, फील इट ना, कैन यू रेट इट? ये रेटेड 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 क्या तो भी है, ये नॉनसेंस। मैं हिल गई पूरी तरह से, मतलब एक यंग लड़की, आई मस्ट हैव बीन 18, 19, 20 एंड एट सच अ यंग एज आई लॉस्ट माई फादर। तो हमदर्दी दिखाने के बजाय, सहानुभूति दिखाने के बजाय बंदा अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा। उसके बाद मतलब समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे शिकायत करूं, मैं फराह खान से करूं शिकायत? कौन फराह खान? वो फराह खान जो शाहरुख खान के इतने करीब हैं, जो टॉप सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं, उनके पास जाकर मैं क्या शिकायत करूं? तो मुझे लगा मेरी ही गलती है, अगर मैं नहीं गई होती तो ये सब नहीं होता। तो कई साल तक मैंने खुद को कसूरवार ठहराया उस वारदात के लिए। फिर धीरे धीरे जब मीटू मूवमेंट शुरू हुआ, तब एहसास हुआ कि अरे इस बंदे ने न सिर्फ मेरे साथ बल्कि और भी कई महिलाओं के साथ गलत किया, अत्याचार किया, उनका यौन शोषण किया, तो ये हैबिचुअल सेक्सुअल प्रेडेटर है, हैबिचुअल मोलेस्टर है। अब क्या देखने को मिल रहा कि इस मोलेस्टर को बिग बॉस के मेकर्स ने अपने घर में पना दी, उसको आमंत्रित किया गेस्ट के तौर पे। तो ये देखकर चिढ़ मची कि अरे जिस इंसान ने कई महिलाओं के साथ अत्याचार किया, यौन शोषण किया, उसको बिग बॉस के मेकर्स बुलाकर उसकी मेहमान नवाजी कर रहे, खातिरदारी कर रहे, हाँ बोल रहे आओ खेलो हमारा गेम, खेलो रियलिटी शो में भाग लो, रियलिटी शो है ना, उसकी रियलिटी बाहर आने दो ना, आप क्यों छुपा के रख रहे हो उसकी रियलिटी? उसको आपने मौका दिया बिग बॉस के घर में आकर खुद को पेश करने के लिए, हाँ कैसे खुद को पेश कर रहा वो, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, मतलब उसने कुछ किया ही नहीं लाइफ में, कुछ भी गलत नहीं किया, निर्दोष एकदम ऐसे पेश कर रहा खुद को। तो हमको भी बुलाओ, सारी पीड़ित महिलाओं को बुलाओ बिग बॉस के घर के अंदर, हम भी जाते, हम भी बात करते उससे, हम पूछते उससे क्या किया बे, क्या किया हमारे साथ बोल, तब हिम्मत नहीं थी बात करने की, हम लोग यंग थे, हमारे पापा गुजरे थे, तब हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत पैदा हुई, चल निकाल अपना प्राइवेट पार्ट निकाल, रेटिंग चाहिए ना, चल देते रेटिंग नेशनल टेलीविजन पर, हम देते रेटिंग। गलत कर रहे बिग बॉस के मेकर्स, सलमान खान सर गलत कर रहे। मेरी बात हुई अपने वकीलों से, सैफ जी हैं, सुहेल सर हैं, दोनों से मैंने बात की, उन लोगों ने बोला आप फिक्र मत करो, हम लोग लीगल नोटिस भेज रहे, अभी बहुत जल्द लड़का आएगा आपके पास, आपके दस्तखत लेगा लीगल नोटिस पे, पहुंच जाएगा कोरियर के जरिए बिग बॉस के ऑफिस पर पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैंने बोला सर प्लीज़ कुछ करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एक मोलेस्टर उस घर में बैठा है और सलमान सर उसको पना दे रहे, वो उसके भाईजान है, हमारे भाईजान नहीं बन सकते क्या? बन के दिखाओ हमारे भाईजान,
हम भी आपको प्यार देंगे, दुआएं देंगे। अभी इस वक्त बहुत दम लोग हैं जो लोग मतलब स्टैंड उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं लोगों के अगेंस्ट, लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो चुप हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपने अभी जो आवाज उठाई है ये आपके ऊपर एक बैकफायर हो गया? तो नहीं नहीं मुझे कोई डर नहीं है। लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री वाले काम देंगे नहीं देंगे, मुझसे डर जाएंगे क्या, बुलाएंगे क्या इवेंट्स के लिए, अपीयरेंसेस के लिए, ऐसा कोई भी डर नहीं है। मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो काम का कोई टेंशन नहीं है मुझे। आप लोग नहीं बुलाना चाह रहे मत बुलाओ, मैं थूकती हूँ ऐसे काम पर जिसके लिए महिला को किसी के प्राइवेट पार्ट की रेटिंग देनी पड़े, ऐसे काम को मैं अस्वीकार करती हूँ। मैं ठुकराती हूँ ऐसे काम को, मैं थूकती हूँ ऐसे काम पर, नहीं चाहिए मुझे। बॉलीवुड के ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या क्या चलता सबको पता है, ड्रग्स लेते, नेपोटिज्म चलता, फेवरेटिज्म चलता, सेक्सिज्म चलता, खुले में क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन के नारे लगाते, अरे मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ बोल के बोलते रहते, और बंद कमरे में क्या करते सबको पता है, दम मारो दम चलता, नशा करते, गांजा लेते, चरस लेते। खुले में ये फैमिली वैल्यूज़ की बात करते, बंद कमरे में क्या करते प्राइवेट पार्ट दिखाकर बोलते ज़रा टच करके बताओ ना कैसा है, 10 में से कितने नंबर दोगे। ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स चाहिए ही नहीं मुझे। सबको तो मैं नहीं जानती, हाँ एक बंदा है जो मोलेस्टर है, आरोपी है, उससे ज़रूर बात करना चाहूँगी। मैं पूछना चाहूँगी कि सुन तुझको रेटिंग चाहिए था ना, चल निकाल अपना प्राइवेट पार्ट निकाल, यहाँ पर 100 कैमराज है ना बिग बॉस के घर में, 100 कैमराज के सामने मैं रेटिंग देने को तैयार हूँ, चल शुरू हो जा, ऐसे बोल के बात करना चाह रही मैं उसके साथ, दिखाना चाह रही कि अब मैं डरती नहीं उससे, ना उससे डरती हूँ, ना जो लोग उसका समर्थन करते, उसकी माइंडसेट का जो समर्थन करते ना जो लोग, उनसे भी नहीं डरती मैं। जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बोलते ना सच परेशान हो सकता पराजित नहीं, कर लो परेशान कर लो, देखते हैं अंत में जीत किसकी होती है। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ वो तमाम महिलाएं हैं जिनका यौन शोषण किया किसने, साजिद खान ने, अकेली नहीं हूँ मैं। मैम आप सलमान सर के खिलाफ आप बोल रहे, लेकिन सलमान सर ने तो है था, वो तो होस्ट है और कंटेस्टेंट जो तो एंडमॉल बुलाता, कलर्स चैनल बुलाता, तो यू आर आपको नहीं आप इतना सलमान सर को आप बोल रहे, आपको लगता कि जो मेकर्स हैं वो सलमान सर के खिलाफ जाकर ये साजिद खान को बुलाए घर पे, सलमान सर ने बोला होगा कि नहीं मत बुलाओ उसे, मेकर्स ने बोला चुप तुझको हम फीस दे रहे ना होस्टिंग के लिए, चल फीस ले, मुंह बंद रख कर, मुंह बंद करके होस्टिंग कर, ऐसा बोल रहे हैं मेकर्स। अरे वो शो चलता सलमान सर की वजह से, सलमान सर की चलती वहां पर, सबको पता ही है। अगर वो चाहते तो बोलते कि नहीं ये आरोपी ये मोलेस्टर नहीं आ सकता मेरे घर में, अगर आप लोग चाहते कि मैं इस शो को होस्ट करूं इसको मत लेकर आओ वरना मैं ये शो छोड़ दूंगा, वो ऐसा बोल सकते थे लेकिन नहीं कहा। सर से बात कर सकते हैं? तो क्या लिखा है नोटिस में? I'm Suhail Sharif. I'm representing Shalin Chopra. I'm already representing her previously. और यहाँ पे भी she has engaged our services to give a notice to Big Boss Endemol Shine India Private Limited की तरफ नोटिस जा रहा है शालिन जी की तरफ से कि आपने जो साजिद खान जी को जो लिया है। सर आप उनको जी नहीं बोल सकते, मोलेस्टर है वो, आरोपी है, गलीज घिनौने घटिया इंसान है। नहीं सर आप उनको जी नहीं बोल सकते। ठीक है मैं उनको, but that will be then मिस्टर साजिद खान। ठीक है मिस्टर साजिद खान को जो नोटिस जा रहा है, नहीं हमने एंडेबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस दिया है क्या मिस्टर साजिद खान को जो है बिग बॉस से इमीडिएटली सस्पेंड करें
और इनका एक रिक्वेस्ट है, वुमन कमीशन को भी जा रहा है ये नोटिस कि जो चीज़ें है इन्होंने लिखा है कि जो वुमन के सेंटीमेंट हर्ट हुआ है और जो भी चीज़ें उन्होंने की है, मोलेस्ट किया है, वो सब इस नोटिस में है। ये नोटिस शर्लिन जी की तरफ से जा रहा है ऑन हर बिहाफ, फैल्कन लीगल जो हमारा फॉर्म है वो नोटिस दे रहा है। तो हमारी मांग ये है, गुजारिश है बिग बॉस के मेकर से जल्द साजिद खान, आरोपी साजिद खान को बिग बॉस के घर से बेदखल किया जाए। उसको जेल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो बात की बात है, कानूनी कार्रवाई हो जाने दो, उसके बाद जो अंजाम होगा देखा जाएगा। लेकिन तब तक वो आरोपी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक कंटेस्टेंट या गेस्ट के तौर पर नहीं जा सकता।